मुनाफा कमाना हर कोई चाहता है, लेकिन रिस्क उठाना सबके बस की बात नहीं। शेयर मार्केट में निवेश करने वाली स्कीम जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड भी कुछ इसी तरह है, जो ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ जोखिम की आशंका साथ लेकर चलते हैं। उतार चढ़ाव भरे बाजार के बीच अगर आप इक्विटी में निवेश घटाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए हम कुछ ऑप्शंस लेकर आए, जैसे कि कॉर्पोरेट डिपॉजिट यानी कॉर्पोरेट एफडी भी इन्हें हम कहते हैं, डेट म्यूचुअल फंड और बैंक एफडी। इन तीनों में कहां आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, किसमें सबसे ज्यादा रिस्क है और आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं, इसका जवाब देते हैं वीडियो के अंत में। तो सबसे पहले बात बैंक फिक्स डिपॉजिट की। बैंकों के फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी को गारंटीड रिटर्न और लो रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट माना जाता है। आप जिस इंटरेस्ट रेट पर एफडी शुरू कराते हैं पूरे टेन्योर के दौरान आपको उतना ब्याज मिलता है, इसकी गारंटी रहती है। बड़े बैंकों की बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी पर 3.50 से लेकर 7% तक का ब्याज दे रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 4.25 से लेकर के 7.25% का ब्याज दे रहा है। HDFC बैंक 3 से 7.25% के आसपास और ICICI बैंक भी 3 से 7.25% के आसपास का ब्याज दे रहा है। ये दरें 2 करोड़ से कम की जमा पर है। सीनियर सिटीजन यानी 60 साल या उससे ऊपर के लोगों को तो आधा फीसदी एक्स्ट्रा ब्याज भी मिल जाता है। बैंक में फिक्स डिपॉजिट को सबसे बड़ा फायदा मिलता है बीमा का। बैंक में जमा आपकी 5 लाख रुपए तक की रकम RBI के अधीन काम करने वाली संस्था DICGC की ओर से इंश्योर्ड रहती है। अब बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड की। तो डेट म्यूचुअल फंड का ही एक प्रकार है। डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स कॉर्पोरेट और सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसे फिक्स्ड इनकम वाले साधनों में निवेश करती हैं। डेट फंड्स कम वॉलेटाइल होते हैं, इसलिए ये इक्विटी म्यूचुअल फंड के मुकाबले कम जोखिम वाले होते हैं। डेट फंड्स में लिक्विड, शॉर्ट ड्यूरेशन, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन जैसी कई कैटेगरी के फंड्स आपको मिल जाएंगे। ज्यादातर डेट म्यूचुअल फंड सालाना आधार पर 7.5% तक का रिटर्न ऑफर कर सकते हैं। अब एम्फे के आंकड़ों के जरिए कुछ लिक्विड डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स के 1 साल के रिटर्न पर नजर डालते हैं। Edelweiss लिक्विड फंड डायरेक्ट का रिटर्न 7.42% रहा। महिंद्रा मनुलाइफ लिक्विड फंड ने 7.40% का रिटर्न दिया। वहीं आदित्य बिरला सनलाइफ के लिक्विड फंड में 7.38% का रिटर्न मिला है। एक्सिस लिक्विड फंड का रिटर्न 7.36% रहा। ये रिटर्न 6 जून 2024 तक के हैं। बैंक की एफडी की बात कर ली, डेट म्यूचुअल फंड के बारे में बता दिया, लेकिन इन दोनों के मुकाबले आपको ज्यादा ब्याज कमाने का एक अच्छा ऑप्शन देते हैं कंपनी फिक्स डिपॉजिट यानी कि कॉर्पोरेट एफडीज। कॉर्पोरेट एफडी एक टर्म डिपॉजिट है जो तय अवधि में निर्धारित ब्याज दर देती है। बिल्कुल बैंक एफडी की ही तरह ये होते हैं। फाइनेंस और NBFC यानी गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की ओर से आपको कॉर्पोरेट एफडी मिलता है। उदाहरण के लिए बजाज फाइनेंस अपने 42 महीने के एफडी में 8.60% का ब्याज दे रही है, जबकि श्रीराम फाइनेंस 50 महीने की एफडी पर 8.80% का ब्याज दे रही है। बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस जैसी शीर्ष फाइनेंस कंपनियों की फिक्स डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट और डेट म्यूचुअल फंड से 1 से 1.5% तक आपको ज्यादा ब्याज देते हैं। हालांकि कॉर्पोरेट एफडी में निवेश करने से पहले आपको कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। जिस कंपनी की एफडी में आप निवेश कर रहे हैं उसकी वित्तीय मजबूती आप जरूर परखें, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें और उनकी एफडी की रेटिंग चेक किए बिना निवेश नहीं करें। हमेशा अच्छी रेटिंग वाली ही कंपनी एफडी को चुनना चाहिए, जैसे कि AAA, AA+ रेटिंग वाली कंपनी की एफडी ही बेहतर रहती है, सुरक्षित भी रहती है, क्योंकि जितनी मजबूत रेटिंग होगी वित्तीय स्थिति और रिस्क उतना कम होगा। कम रेटिंग या बिना रेटिंग वाली कॉर्पोरेट एफडी से दूर ही रहें, यहाँ पैसा बनने के बजाय डूब भी सकता है। यानी वो आपको दिखा सकते हैं कि आपको ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन वहाँ डर हमेशा रहेगा क्योंकि इनकी रेटिंग जो है वो कम रहती है और मजबूत रेटिंग वाली कंपनियों के मुकाबले यहाँ पर रिस्क ज्यादा हो सकता है।